हेलो क्लास नाइन्थ, आपने बोला था ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अभी ये डाल रही हूँ। इसका आधा पार्ट ही है, पूरा पार्ट नहीं है इसमें, हाफ पार्ट ही मैंने बनाया अभी। तो ये एक समरी है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की, एंड दिस होल चैप्टर इज़ अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन। वी ऑल नो अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना कुछ किया है, जबकि उनके टीचर्स ने उनके लिए क्या बोला था। तो वी शुड नेवर जज समवन बाय दीज मार्क्स और आउटर ब्यूटी। वी मतलब इट माइट बी डिफरेंट ना, अलग हो सकता है। सो दिस इज़ द सेम थिंग इनके साथ हुआ। तो अभी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम इसकी समरी। ये जो इनका ये बॉर्न हुए थे, मार्च 14 में बॉर्न हुए थे, 1879 में इन जर्मन में उल्म नाम की एक जगह थी जहाँ पर ये हुए थे। और जब ये हुए थे तो ये नॉर्मल नहीं थे, इनका सिर काफ़ी बड़ा सा था, तो इनको इनकी मदर ने फ्रीक समझा। और कुछ भी इनके पैदा होने में ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं थी कि लगे कि भाई ये स्पेशल होंगे बड़े होके। एट द एज ऑफ 2.5 पर भी ये नहीं बोल पाए थे, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन अ प्रॉपर वे। एंड जब ये बोले तो ये हर चीज़ को ट्वाइस बोलते थे, अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। इसके बाद में इनके प्लेमेट्स, इनके फ्रेंड्स थे, वो नहीं बनते थे। तो ये जब इस तरह बात कही, ये नहीं जानते कि कैसे इन लोगों के साथ में कैसे बनाया जाए, कैसे फ्रेंड बनाए जाए। तो इनके प्लेमेट्स क्या बोलते थे इनको, इनको बोलते थे ब्रदर बोरिंग। और इनको शौक था मैकेनिकल टॉयज़ का, बहुत शौक़ था। इनकी जब सिस्टर हुई तो इन्होंने बोला अच्छी है, अपनी सिस्टर के लिए इन्होंने बोला अच्छी है, बट इसके व्हील्स कहाँ हैं। आप चैप्टर में देखोगे वहाँ लिखा हुआ है। देन ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी थिंग। एंड वो जो है वो मतलब किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं थे, तो ये कहा जाता है इनके बारे में। फिर इन्होंने जब ये 6 ईयर्स के थे, इन्होंने वायलिन बजाना सीखा बिकॉज ऑफ हिज मदर, इनके मदर की वजह से। इनको बहुत पसंद था उनकी मदर को। इसके बाद में इन्होंने हाई स्कूल किया म्यूनिख से। फिर उसके बाद में इन्होंने, इनको अच्छे मार्क्स आते थे इनके, लेकिन इनको स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है ना, डिसिप्लिन, वो पसंद नहीं था। फिर इन्हें 15 ही लेफ्ट द स्कूल, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया इन्वायरमेंट की वजह से। उनको स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी वहाँ पर लिबरल होना चाहिए, जिससे बच्चे सीख सकें। तो लर्निंग बाय डूइंग दीज थिंग्स, ऐसे करके सीख सकें, हर चीज़ को लर्न करना नहीं होना चाहिए। फिर ये पहुँचे हैं मिलान पहुँचे हैं। इनके पेरेंट्स ने इनको जब भी छोड़, मतलब इनके पेरेंट्स जो है चले गए, मिलान चले गए थे, तो इन्होंने फिर इसके बाद में काफ़ी डिस्कशन हुआ पेरेंट्स से। और उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, वहाँ पढ़ना शुरू किया। और वहाँ पर काफ़ी लिबरलाइजेशन था, ऐसे नहीं था, स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तो वो वहाँ पर खुश थे। इन्होंने, ये जो थे हाईली गिफ्टेड थे मैथ्स में, इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स में थे। एंड देन फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्यूरिक में स्टडी किया। फिर उसके बाद में इन्हें क्या हुआ, जब ये 1900 में जब 25 ईयर्स के थे, तो इन्होंने ग्रेजुएट कर लिए थे, अनएम्प्लॉयड थे। और इसी बीच में जब कॉलेज में ये जाते हैं, तो इनको एक लड़की से जो है, वो उनकी फ्रेंड थी, इनको पसंद करने जाते हैं। इनको लगा था कि ये लड़की सही है, इसलिए क्योंकि इनकी और अल्बर्ट आइंस्टाइन की थिंकिंग बहुत मिलती थी लोगों को, मतलब लोगों की स्ट्रिक्टनेस वगैरह, और जो लोग कला वगैरह पसंद करते उनके अगेंस्ट जो लोग थे, तो ये उनके अगेंस्ट जाते थे। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया। 1902 में इन्हें यही जॉब मिल गई, नहीं 1902 में ये गॉट अ जॉब, और ये टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बर्न में वहाँ पर काम करने लग गए। थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी किसकी थी, ऑफ रिलेटिविटी की थी। टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट सेम, इन्होंने बताया कि टाइम और डिस्टेंस सेम नहीं है। रिलेशंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, इन्होंने इसके बारे में एक फार्मूला दिया है। फार्मूला इज़ रिटन हियर, यू कैन सी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। एंड ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एम स्टैंड्स फॉर मास, एंड सी स्टैंड्स फॉर स्पीड। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ें आप बुक में देख सकते हो। दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ द यू नो फाइनल जो समरी है, आपको मैंने एक तरीके से बता दिया है। तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ आएगा, बाकी का पार्ट मैं आपको बहुत जल्दी ही इस पर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।